हेलो, मेरा नाम अरसलान है और हम अपना ट्यूटोरियल 3 स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अपने सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे और साथ में हम फोरियर एनालिसिस के लिए भी देखेंगे हम प्रोटीज पे किस तरह कर सकते हैं। सो ये सर्किट जो आपके सामने ड्रॉ किया हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये पिछले ट्यूटोरियल वाला ही है। सो हम इसमें जस्ट दो चीज़ों का एक एक जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ का इजाफा किया है वो हम करने लगे हैं, बल्कि हम एक वोल्टेज प्रोब जो है वो इस इनपुट साइड पे भी लगा देंगे, C1 पे जो आपको सोर्स नज़र आ रही है, साइन साइन वेव सोर्स, ताकि बिकॉज इसका यहाँ पे फोरियर और इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हुए हमें इसका इस्तेमाल हो जाएगा। सो अगेन नाउ अब आप यहाँ पे अपने लेफ्ट पैनल पे देखें, ग्राफ मोड का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ग्राफ का एक पैनल खुल जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करें, उसको सिलेक्ट कर लें एंड जस्ट प्लेस इट हेयर। सो ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे सिंपली आप जो है देख पाएंगे किस फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट आपको कितनी गेन दे रहा है। तो इस पे आप डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे रेफरेंस का आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, तो रेफरेंस हमारा इनपुट साइड इनपुट वोल्टेज होता है, तो जो जो कि हमारा C1 नोड पे लगा हुआ है, C1 of 1, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शन साथ देख रहे हैं कि आप जो इंटरवल है फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 10 हर्ट्ज से लेके यहाँ पे 1 MHz लिखा हुआ है। इसी तरह इंटरवल जो है डेकेड्स में हो, ऑक्टेव्स में, लीनियर में, तो नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी को डेकेड्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हम डेकेड ही इसको रहने देते हैं, और वाई स्केल को बेहतर है अगर हम इसको डीबी के बजाय लीनियर में देख लें। सो हम इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको 100 MHz तक कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नज़र आ जाए, और इसको हम 0.01 हर्ट्ज तक कर देते हैं। ओके, और इसके अलावा आप इसको राइट क्लिक करें और इस पर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ ऐड ट्रेसिस की ऑप्शन आ जाएगी, तो यहाँ पे प्रोब P1, P2, P3, P4 लिखा आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आपको वो आउटपुट प्रोब्स बता रही हैं कि आप इनपुट और आउटपुट के रेफरेंस से वो आपको बताएंगे कि इसके दरमियान क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली एक आउटपुट है जो कि इस RC2 नोड के ऊपर लगी हुई है, सो हम प्रोब P1 जो है वो सिंपली RC2 सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करते हैं और ये हम C1 सिलेक्ट कर चुके हैं। सिंपली आप यहाँ पे अब इसको सिमुलेट ग्राफ करें और सिमुलेट होके आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक करें, मैक्सिमाइज पे क्लिक करें, सो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका शो होता हुआ नज़र आ रहा है कि 100 MHz तक जा रहा है। और ये अगर आप जो देखें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे ये 10 M लिखा हुआ है, ये बेसिकली M जो है ये मिली का है, और जो राइट मोस्ट कॉर्नर पे जो M लगे हुए हैं वो वन वो मेगाज के हैं। सो इनमें डिफ्रेंशिएट कर लें सही से। ओके, इनपुट और आउटपुट साइड पर जो कैपेसिटेंसेस लगी हैं वो बेसिकली सर्किट की इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब डिफाइन करती हैं। सो अगर हम इन कैपेसिटेंसेस को ही चेंज कर दें तो हमारा रिस्पॉन्स चेंज होना चाहिए, तो अगर हम 10 μF की बजाय इसको 10 nF कर दें और फिर इसको सिमुलेट फिर से करें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज हो चुका है। तो इसको वापस हम 10 μF कर देते हैं। कोर चीज सिमुलेट फिर से कर दें, हमने पिछले ट्यूटोरियल में कहा था कि इंटेंटेड गेन जो इस सर्किट के है वो 5.5 के करीब है, तो ये सर्किट हमें ऑलमोस्ट जो है वो 5.28 की गेन दे रहा है। आप यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पे देखें आपको 5.28 लिखा नज़र आ रहा है, ये इस वक्त इस सर्किट की गेन है, और यहाँ पे ये गेन किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है ये आपको यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे फ्रीक्वेंसी भी लिखी नज़र आ रही है, 1.54 K, मतलब 1.54 kHz। सो ये आपको सब कुछ ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक ग्राफ बता रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें फोरियर भी देख सकते हैं, सो अगेन उन्हीं ग्राफ्स के ग्राफ मोड के यहाँ से बटन पे आप जब फोरियर पे क्लिक करें और उसको सिलेक्ट कर लें और ये आपके पास यहाँ आ गया। अब फोरियर एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ एडिट ग्राफ पे क्लिक करें, सॉरी ऐड ट्रेसेस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे अब आपको फोरियर वो सिंपली पूछेगा कि आप किस सिग्नल का करना चाहते हैं।
ऑब्वियसली हम आउटपुट सिग्नल पे देखना चाहते हैं, उसका फोर एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो RC2 पे हम क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं और इसको सिमुलेट कर देते हैं। तो सिमुलेट हो गया, मैक्सिमाइज करते हैं। सो ये 100 के तक जा रहा है, इसके मुकाबले में अगर आप इसके हम एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हमारी 1 kHz है, एम्पलीट्यूड हमारा 200 mA, ओके। सो इसको ऑब्जर्व करते हैं अब। वन किलो हर्ट्स पे हमें यहाँ पे एक पीक सी नज़र आ रही है बेसिकली, और ये हमें उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ में शो कर रही है। सो हम इस तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस जगह पे इस साइन वेव्स की बजाय अगर हम पल्सेस दें, इसको यहीं से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम पल्सेस दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी 10 kHz, हाई वोल्टेज 10 वोल्ट, के 10 वोल्ट की बजाय 1 वोल्ट ही ठीक है इनफैक्ट। और अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अब जो है वो, अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है 10 K पे, ये पीक है और ये क्योंकि पल्सेज हैं, सो इसके लिए इसका स्कैटर्ड आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो कि वैसा ही आ रहा है। सो इस तरह से आप इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी, फ्रीक्वेंसी फोर एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। ओके, सो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।